वेद प्रकाश वेदांत की एक शायरी है। साहब कहते हैं, संघर्षों में बचपन बीता पर माने ना कभी हार, चाय बेचकर स्टेशन पर पाले अपना परिवार। आज उसी के नारे गली गली में गूंजते हैं, जिनके डर से पाकिस्तानी रात रात भर जगते हैं। नमस्कार, आपके साथ में सीके सिंह और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सियासी सफर में। हमारी और आपकी मुलाकात हर रोज खबरों के साथ होती है, लेकिन आज से हम सप्ताह में एक दिन देश के जाने माने लोकप्रिय किसी भी खास शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे कि उनके जीवन का क्या सफर रहा है। एक चाय की दुकान से 7 रेस कोर्स तक का सफर तय कर नरेंद्र मोदी इतिहास लिख चुके हैं। लेकिन मोदी की शख्सियत कैसी है, एक इंसान के रूप में पीएम मोदी का स्वभाव कैसा है, जब वो मंच पर नहीं होते महफिल में होते हैं तब उनका कैसा अंदाज होता है, नरेंद्र मोदी की जिंदगी की पूरी कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं इस खास पेशकश में। नरेंद्र मोदी का जन्म 19 सितंबर 1950 को हुआ। नरेंद्र मोदी काफ़ी गरीब परिवार से आते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके घर में इतना अंधेरा रहता था कि लालटेन जलानी पड़ती थी, क्योंकि इनके घर में खिड़कियां भी नहीं थी। क्योंकि इनके पिताजी वाडनगर रेलवे स्टेशन पर एक चाय का दुकान चलाते थे, जिससे परिवार का गुजर बसर होता था। बता दें, नरेंद्र मोदी अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान भी चाय के दुकान पर काम करके पैसे जमा किया करते थे। वहीं 8 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने RSS ज्वाइन कर ली थी। मोदी के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब बचपन में ही मोदी की शादी तय कर दी जाती है। मोदी इस बात से काफ़ी नाराज़ होते हैं। बचपन में तय शादी नरेंद्र मोदी को नामंजूर होती है तो मोदी जी घर छोड़कर भाग जाते हैं। घर छोड़कर भागने के बाद मोदी हिमालय चले गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी के जीवन में स्वामी विवेकानंद जी का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। 2 साल तक मठ गए, आश्रम गए। कुल 2 साल बीत जाने के बाद सन 1968 में मोदी जी अपने घर वापस लौटे। 2 साल बाद मोदी जी एक सन्यासी की वेशभूषा में अपने परिवार के पास वापस आए। वहीं घर वापस लौटने के बाद परिवार के लोग उन पर फिर से शादी का दबाव बनाने लगे, तो फिर मोदी जी शादी से बचने के लिए अहमदाबाद चले गए और साइकिल पर चाय बेचने का काम करने लगे। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाने के बाद ईमानदार ने मोदी को राष्ट्र स्वयं संघ सेवक में संपूर्ण रूप से शामिल होने को कहा। फिर मोदी RSS के कैंपेनिंग प्रमुख के तौर पर काम करने लगे। कई सालों तक उन्होंने RSS के प्रचारक के तौर पर काम किया। साल 2001 में नरेंद्र मोदी के करियर का टर्निंग पॉइंट आया। यही वो साल था जब उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। करीब 13 सालों तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया और गुजरात को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस दौरान नरेंद्र मोदी की राह में कई मुश्किलें आईं, कई इल्ज़ाम उन पर लगे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी को सिर्फ चंद ही महीने हुए थे तभी गोधरा कांड हो गया, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। यह मामला सुलझा ही नहीं था, इसके ठीक कुछ वक्त बाद ही गुजरात में दंगे भड़क गए और मोदी जी को यह कहकर कसूरवार ठहराया गया कि वो दंगों को रोकने में नाकामयाब रहे। देखने वाली बात यह है कि इस दौरान उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की भी मांग उठी, लेकिन कई दिग्गजों की वजह से नरेंद्र मोदी इस मुश्किल को पार करने में कामयाब रहे और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे। RSS में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने अपनी इतनी मजबूत छवि बना ली थी कि किसी भी तरह का काम उन्हें ही सौंपा जाता था। संघ के होने वाले कार्यक्रमों में जब वो मैनेजमेंट दिखाते उससे सभी प्रभावित थे। ये शायद इसी का परिणाम था कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का प्रमुख बनाया गया, साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री पद का भी BJP उम्मीदवार घोषित किया गया। नतीजा ये हुआ कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में BJP भारी बहुमत से जीती और केंद्र में BJP सरकार आ गई। उस वक्त लोगों ने कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चलते BJP को वोट दिया, वरना वो किसी और पार्टी को वोट दे देते। नरेंद्र मोदी में लोगों ने जो विश्वास दिखाया उस पर मोदी अभी तक खरे उतरे हैं। अपने 7 साल से भी ज़्यादा के कार्यकाल में मोदी ने कई योजनाओं को शुरू करवाया जिन्हें लोगों ने हाथों हाथ लिया। हालांकि नोटबंदी और डीमोनेटाइजेशन जैसे कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जो चैलेंजिंग थे, लेकिन लोगों ने उसका भी स्वागत किया। साथ ही साथ देश में प्रधानमंत्री मोदी ने धारा 370 और राम मंदिर के मुद्दे पर भी हल निकाला। साथ ही PM मोदी ने विश्व में भारत की एक अलग पहचान बनाई है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। आज सियासी सफर में इतना ही। अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे आपके साथ और किसी खास एक अलग नाम के साथ, एक अलग पहचान के साथ आपको उनके बारे में बताएंगे। नमस्कार।